Chief. ये फ्लैश आ रहा है, फ्लैश का कोई ऑप्शन होता है इसमें? कहाँ? ये ठीक है, प्रोनाउन इट भी हो सकता है क्योंकि किसी की जगह इट इज स्टैंडिंग देयर, जी है तो ड्रिंक की जगह इट आ सकता है ना। सो प्रोनाउन में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पहला है टाइप्स में पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में तीन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आई यू ही और शी। सो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बातचीत हो। सो दैट इज, इट इज यूज्ड फॉर पर्संस। ये किसके लिए यूज है? फॉर पर्सन, यूज्ड फॉर पर्संस। सो फर्स्ट पर्सन I, second person you, and third person he, she, it, name। सही है, तो first person I हो गया और I से associated सारी चीजें हो गई। अगर बहुत सारे लोग हैं तो we कहेंगे we, we will go there but they will not go there। इसी तरीके से us हो सकता है, my हो सकता है, mine हो सकता है, ये जहाँ भी आएंगे first person होंगे। you, sir you, your, this is second person, and third person, third person, he, she, they। अच्छा ये बताइए दिव्या, राम कौन सा पर्सन है? वैसे तो थर्ड पर्सन है लेकिन पर्सनल प्रोनाउन में नहीं आएगा क्योंकि वो तो नाउन में आ जाएगा। yes, sir। है ना, तो अगर हम पर्सन की बात करें तो ही शी दे, तो यहाँ नाम की कोई बात नहीं, ही शी दे देम हिज हर दे देम His, her, it, ये सारे थर्ड पर्सन हो जाएंगे। नाउ ओके, देयर भी हो सकता है। सो दिस इज पर्सनल प्रोनाउन। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे अगर मैं यहां पर कहूं कि आई एम डूइंग
माई जॉब। तो इसी तरीके से समीर इसको बनाओ, he is doing his job. मैं अपना काम कर रहा हूँ, he के लिए क्या बनेगा, he is doing his job. तो बताओ she के लिए क्या हो जाएगा, she is doing her job. She is doing her job and you are doing your job. They are doing their job. And we are doing our job. We are doing our job. इस तरीके से हो गया, ठीक है कि नहीं? Now, reflexive pronoun. That is, अगर कोई भी चीज, if the effect of work is on the person doing the work, अगर कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़े, कर्ता पर पड़े, तो उसको कहेंगे reflexive pronoun. He hit himself. उसने खुद कोई मार लिया, तो उसको क्या कहेंगे reflexive. I punished myself. किसी I washed close myself. अच्छा, तो इसी तरीके से if effect of work is on subject itself, तो reflex action कहते हैं, subject itself, तो उसे reflexive pronoun कहते हैं. जैसे reflection ही होता है अपने अपना चेहरा मिरर में देखना, तो इट्स दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जैसे दैट इज अरुण पनिश्ड हिमसेल्फ, पनिश्ड हिमसेल्फ. दे हिट देमसेल्फ्स, वी एंजॉय आवरसेल्फ्स. दे हिट देमसेल्फ्स. अब जरा देखो, वी एंजॉय आवरसेल्फ्स, वी एंजॉय आवरसेल्फ्स. ओके, नेक्स्ट इज इम्फैटिक प्रोनाउन. दैट इज अगर दोज प्रोनाउन्स इन विच जो सब्जेक्ट है, स्पेशल एम्फेसिस इज गिवेन ऑन सब्जेक्ट. आई माई सेल्फ वॉश द क्लॉथ, मेरी कोई नौकरानी या नौकर नहीं है, तो मैंने खुद कपड़े धोए. सो एम्फेसिस दिया जा रहा है कि नहीं? एक है आई वॉश क्लॉथ माई सेल्फ, तो वो यहाँ आएगा. यस सर. आई माई सेल्फ वॉश क्लॉथ, वो यहाँ आएगा. मतलब यहाँ जोड़ दिया जा रहा है, मैंने खुद कपड़े धोए. जैसे कोई रानी हो, वो कहे मैंने खुद अपनी सैंडल पहनी है, कोई नहीं पहना रहा था, तो कितनी बड़ी बात होगी उसके लिए. सो आई वॉश क्लॉथ. वो नवाब की स्टोरी भी है कि अंग्रेज आ गए हमला करने के लिए, वो नवाब था, तो वो कह रहा था मेरी चप्पल नहीं पहनाओगे तो मैं कैसे चलूँ, कोई उसको चप्पल ही, वो भाग गए थे सारे नौकर. फिर वो खड़ा रहा, बोला हमें कैद कर लो, मेरी चप्पल ही कोई नहीं पहना, तो भाग ही नहीं पाया. जब तक कोई चप्पल पहना, ये लखनऊ के नवाब थे, लखनऊ के ऐसे ही नवाब होते थे, कोई उनका काम करे तो ही करेंगे, खुद नहीं करते. सो आई वॉश्ड क्लॉथ माई सेल्फ, ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया. yes, sir. और लेकिन अगर ये माई सेल्फ यहाँ लगा दो तो इसमें जोड़ दिया, आई माई सेल्फ वॉश्ड क्लॉथ. हाँ ठीक है. आई इन दिस स्पेशल, इसमें क्या होता है कि इम्फेसिस इज गिवन, इम्फेसिस का मतलब जोड़ देना होता है. ठीक है, ऑन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पर इम्फेसिस दिया जाता है. जैसे कि आई माई सेल्फ वॉश्ड क्लॉथ. ठीक है, शी हरसेल्फ. Worn sandals. तो उसने अपनी सैंडल खुद पहनी या शूज खुद पहने, तो ये बड़ी बात हो जाएगी.
तो इम्फेसिस दिया रहेगा, दे देमसेल्फ डू नॉट नो दिस, वे खुद इसके बारे में नहीं जानते, दे देमसेल्फ डू नॉट नो दिस, नाउ दयान मुझे बताइए एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सेंटेंस और एक सेंटेंस बनाइए इंफेटिव प्रोनाउन का। ऊपर देखिए ये कौन सा है? इंफेटिव का इंफेसिस का मतलब जोड़ देना होता है। बोलो ओके नेक्स्ट इज डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके इम्फेसिस का मतलब आप लिख लें जोड़ देना होता है। सो दिस इज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। नाउ फोर्थ इज demonstrative pronoun। That is if we demonstrate some thing in this something, किसी की ओर इशारा किया जाता है, something is pointed out। जैसे कि यहाँ पर दिस दैट लगेगा। यस सर, दिस दैट दिस बुक इज माइन, ठीक है, दैट चेयर इज योर्स। तो इस तरीके से हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं दिस दैट दोज ऐसे। दिस बुक इज माइन, दैट Chair is yours, ऐसे कहा जा सकता है। Now these books are mine, these books are mine। Next is sir indefinite pronoun। Indefinite pronoun, that is these are not indicate to some specific things, yani indefinite, wo kisi cheez ko ishara nahi karte hain, these do not indicate specific thing, या नंबर, जहां पर कोई डेफिनेट ना हो तो अनिश्चित सर्वनाम। तो इस तरीके से जैसे कि सम आर बोर्न ग्रेट, सम आर बोर्न ग्रेट, तो अब कुछ लोग महान पैदा होते हैं, वो कुछ कौन है, जैसे बहुत बड़े बड़े पोइट हो गए, शेक्सपियर हो गए, कुछ पॉलिटिशियन हो गए, तो यहाँ जो सम है वो क्या है, दीज आर प्रोनाउंस। तो यहाँ पर इम्फेटिक में ये बताइए तनिष्का, इसमें कौन सा प्रोनाउन इम्फेटिक प्रोनाउन है, आई या माई सेल्फ? माई सेल्फ इज इम्फेटिक प्रोनाउन। इसी तरीके से अरुण पनिश हिमसेल्फ, तो ये क्या है, इम्फेटिक प्रोनाउन है। इसी तरीके से यहाँ पर ये, ठीक है, सो दीज ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया।
ओके तो यहाँ पर सम आर बॉर्न ग्रेट, सम में तो कोई नंबर तो है नहीं, तो इसलिए कैसा हुआ, ये कौन सा प्रोनाउन हुआ बेटा, ये रिस्पॉन्ड आज नहीं कर रहे, कौन सा प्रोनाउन हुआ, हाँ बोलो, सो दिस इज इनडेफिनिट प्रोनाउन, मैनी आर मैड अबाउट मटेरियल थिंग्स, तो यहाँ पर कुछ लोग भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे पागल रहते हैं, सो मैनी आर मैड अबाउट मटेरियल थिंग्स, नाउ सुहाना इसमें इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन सा हुआ, सर आप बताइए इसमें इस सेंटेंस सर मैनी, तो मैनी का मतलब, हाँ बेटा तो मैनी हो सकता है, अब नेक्स्ट देखिए सर, नन बट द ब्रो डिजर्व सेलिब्रेशन, अच्छा नन बट द ब्रेव जो डिजर्व सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन बहादुरों को ही ताजपोशी मिलती है या इनाम मिलता है, तो नन यहाँ पर नन है, तो नन क्या चीज हो गई, और कोई नहीं बल्कि बहादुर, ठीक है, there is indefinite pronoun, तो इसकी कोई संख्या निश्चित नहीं है, all are mortal, दिव्या इसका मतलब क्या, पहले तो एक बताओ, जो मर सकते हैं, एक होता है नश्वर दैट इज एफीमरल, और दूसरा होता है कि जो अजर अमर हो इटर्नल, दो अलग अलग चीजें हैं कि नहीं, जैसे एफिमरल, और एक होता है कि इटर्नल, तो ये होता है शाश्वत, और शाश्वत का विलोम क्या है, नश्वर, तो हम एफिमरल की बात कर रहे हैं कि सभी लोग मोर्टल, और इमोर्टल का क्या मतलब होता है, तो अमर इमोर्टल, तो ये अमर हो गया, अब ये मरने वाला, ठीक है, जो मर जाए तो इस तरीके से, सो ऑल आर मोर्टल, इसमें कौन सा इनडेफिनिट प्रोनाउन हुआ, ऑल आर मोर्टल, नाउ डिड एनी वन ऑफ देम अटेंड द पार्टी, वन ऑफ देम अटेंड द पार्टी, अटेंड द पार्टी, उनमें से किसी ने पार्टी अटेंड की, सो एनी वन, नाउ अमन एक इनडेफिनिट प्रोनाउन का एग्जाम्पल बनाइए, बोलो यॉइंग तो ठीक से कर रहे थे, जमाई तो अच्छी ले रहे थे, एक बना भी दो सर, हाँ बोलो सर, हाँ बोलो बताइए सर, somebody knock at the door, तब तक आप एक नैपी ले लीजिए एक झपकी, तब तक हम अगली बार फिर आपके पास आए, somebody knock at the door, knock at the door, तो somebody आ गया, अब एक यहाँ पर एक दो तीन चार पांच, 1 2 3 4 5 6 है, समीर बिना देखे इस छह में से चार बताएंगे, बहुत बड़ी बात है बेटा, ऑल आर मोर्टल, समबडी नॉक एट द डोर, रयान चार बताएंगे छह में से, चार बताएंगे, All of them were sorrowful. 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 All of them were sorrow
none of them gave the correct answer. ये भी हो सकता है, none of them gave the कोई अमर नहीं हुआ, कोई अमर पैदा नहीं हुआ, बोलो nobody is born immortal, हाँ, nobody is born immortal, है ना? पर्सनल प्रोनाउन में सेंटेंस बनाओ, ही हैज गॉन देयर, ही इज गोइंग टू स्कूल, शी इज गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, ही इज अ गुड बॉय, समझ में आ गई बात कि नहीं? ही शी पे बना देना, ही इज गोइंग टू स्कूल, शी इज गोइंग, ही इज ए गुड बॉय, राइट फाइव टाइप्स, उनको डिफाइन नहीं करना है, सिर्फ सेंटेंस लिखना है, आपको डिफाइन नहीं करना है, तो आपके 15 सेंटेंस हो जाएंगे, ठीक है? प्रोनाउन को डिफाइन करिए और पांच टाइप लिख करके जो पांच है फिर अगले पांच में काम है। जिसका ये वाला पेज है वो ऊपर से ही शुरू करे तो आ जाएगा, है ना? नाम साइड में लिख के ऊपर से शुरू कर देना। Distributive pronoun, sixth. So it is done. So this is used for distribution of something. Among, मतलब three या between two किसी के बीच हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? Distributive pronoun. So like each of them was distributive pronoun. So each of them is used to indicate
सम और ऑड, ठीक है, अमंग ए ग्रुप. ईच ऑफ यू विल गेट ए प्राइज. तो ये के लॉट है तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, तुम्हें से प्रत्येक मिठाई पाएगा. ईच ऑफ यू विल गेट ए स्वीट, ठीक है. तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं? ईच ऑफ यू विल गेट अ स्वीट. इसी तरीके से नाइदर ऑफ यू विल गेट पनिश्ड, तुम्हें से किसी को भी दंड नहीं मिलेगा. सो ऑफ यू विल गेट पनिश्ड, ठीक है. नन ऑफ अस या नन ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, उनमें से नन ऑफ अस इज इमोर्टल, हमें से कोई भी अमर नहीं. नन ऑफ अस इज इमोर्टल. तो देयर इज डिस्ट्रीब्यूटिव, नन नाइदर और ईच, दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिव. एंड नाउ इंटरोगेटिव प्रोनाउन. इंटरोगेटिव प्रोनाउन दीज आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन. बिल्कुल ठीक है. सबसे ज्यादा समीर को पता है. सर देख के बता रहे हैं. ऑनलाइन क्लास सर आपने तो भेजी थी. आस्क क्वेश्चंस, लेकिन पढ़ तो पा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है. सर देख लो सर. हाँ चलो. ईच ऑफ यू नाउ हु कम्स हियर, आर यू, इसका एग्जांपल है हु व्हाट, ये सारे यस सर जो भी है वो यहाँ पर. सर हु वेयर व्हाट हूज नॉलेज. सर ये भी तो हो सकता है हूज बुक इज. देखो बहुत अच्छा बताया. इज सो शैलो नोएल, इसका मतलब क्या है? हूज नॉलेज इज सो शैलो, किसका ज्ञान यहाँ सतही है, छिछला है. दैट इज नॉट डीपर. हु इज इग्नोरेंट, जैसे थोड़ा ही ज्ञान हो तो सतही होता है कि नहीं, और एक होता है डीपर. तो हूज नॉलेज इज सो शैलो, शैलो का मतलब नॉट डीप, ठीक है. ओके नाउ हियर हम क्या देख रहे हैं कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन का क्या मतलब है, कि प्रश्न पूछने के नाउन की जगह, जैसे बुक इज दिस या दिस इज ए बुक, और कोई कहते हैं व्हाट इज दिस, तो क्या व्हाट बुक की जगह नहीं आया? बुक को हमने एक व्हाट से रिप्लेस किया ना. यस सर. तो अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं व्हाट इज दिस, तो व्हाट आ गया है बुक की जगह. हूज नॉलेज, तो यहाँ व्यक्ति का आएगा, तो हम कहेंगे कि मयंक्स नॉलेज इज सो शैलो, ऐसा कह सकते हैं. वैसे तो एट्थ में भी मयंक है, नाइन्थ में भी, दोनों ही टॉपर. चलो, whose knowledge is so shallow. Okay, now whom did you meet yesterday? Whom did you? अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक meet होता है और एक met होता है. Met second form है और ये first form है. तो इसमें दिव्या meet आएगा कि met आएगा? Meet, क्योंकि did के लग जाने से first form आ जाती है. You meet yesterday. Yes, sir. First one. So, who is he? वो कौन है? तो he is. Sir, who are you? Who are you? Yes. Who are? So this is interrogative pronoun. अब जरा देखिए. नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन. एक्सक्लेमेशन का क्या मतलब है? कि कभी कभी एक्सक्लेमेशन का साइन सर मतलब सर एक्सप्रेशन व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट या मॉन्यूमेंट इट इज. तो वो वॉट जो आया है कितना सुंदर ताज है. सो वैसे बहुत सुंदर, पास में जाके देखो लगता नहीं कि ऐसी कोई दूसरी बिल्डिंग. व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, व्हाट अ न्यूज़. सो दैट इज
एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेशन का मतलब विस्मय, विस्मयादि बोधक। सो इसमें क्या होता है, इट इज टू एक्सप्रेस डीप एक्सप्रेशन। आपके अंदर जो कोई सडन एक्सप्रेशन हो या डीप स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इट इज टू एक्सप्रेस डीप एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग। डीप स्ट्रॉन्ग या सडन फीलिंग को याद है। तो उसमें इस चीज का यूज होता है, व्हाट माय हाउस कॉट फायर, व्हाट अ न्यूज, माय हाउस इज बर्निंग। सो यहां एक्सक्लेमेशन आ गया। नाउ जैसे कहीं पर भी इस तरीके से आएगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल ताज इज इट, इट इज। तो यहां जो वॉट आया है वो इस तरीके से प्रोनाउन होगा। अब देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन, आपस में जैसे नेशंस फॉट विद ईच अदर, आपस में ही भिड़ गए तो उसको रेसिप्रोकेट करना है, ठीक है ना। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का क्या मतलब है, दैट इज व्हेन टू प्रोनाउंस म्यूचुअली इंटरेक्ट विद ईच अदर, आपस में एक दूसरे से प्रतिक्रिया करते हो। व्हेन टू प्रोनाउंस म्यूचुअली इंटरेक्ट विद ईच अदर, जैसे नेशंस फॉट ठीक है वन अनदर, एक दूसरे के साथ लड़े इन 1971। अब अगर क्लास, क्लास इज फाइटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ आपस में लड़े, वन अनादर का मतलब जब दो लोग हो तो वन अनादर लगाना, और ज्यादा लोग हो तो विद ईच अदर। सो क्लास इज फाइटिंग, देखो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास is fighting with each other. अब देखिए तो अरविंद मुझे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के दो सेंटेंस बनाओ। Who are you? डेमोक्रेटिक कंट्री होता है, और कौन सा होता है, ऑटोक्रेटिक, और बोलो छह तरीके की कौन सी कंट्री जाते हैं, कंट्री पे बात कर रहे हो, ठीक है। सो रेसिप्रोकल प्रोनाउन के कुछ सेंटेंस बताइए। इंडिया एंड पाकिस्तान, और तब दो हो तो वन अनादर लगाना,
हाँ, टू एग्जाम्पल दिव्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के। अच्छा आप बताओ। बहुत अच्छा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तो बताओ। दो इंफ्रेटिव प्रोनाउन के बताइए। प्रोनाउन की जरूरत नहीं है अभी, थोड़े थोड़े नहीं याद है, वही बहुत है। हां आप लोग नाउ देखिए, एडजेक्टिव देखिए, व्हाट इज एडजेक्टिव? सो द वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, द वर्ड यूज्ड क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन लाइक, पहला है एडजेक्टिव ऑफ, फॉर एग्जाम्पल जैसे रेड बुल, लाल सांड, ठीक है, इसी तरीके से सर ब्लू बुल, ब्यूटीफुल डॉल, सर शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट बुल, और ब्रेव बॉय, शौर्य, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है ना। तो इसमें ये जो रेड है कलर हो गया, इसी तरीके से फ्यू ऑरेंजेस, तो फ्यू आ गया, स्वीट मैंगो, स्वीट मैंगो, ओके। नाउ अब इसके साथ 10 रुपी नोट, सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, पहला इसके टाइप देखो, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नाउ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मींस दैट द वर्ड यूज्ड to qualify, किसी भी चीज को qualify, अगर आप किसी चीज के बारे में बताएं, noun, noun को qualify करें और सिर्फ उसके बारे में क्या बताएं, about its color, तो about its sanctity, sanctity का क्या मतलब है, पवित्रता, कि जैसे गंगा इज होली रिवर, तो सैंक्टिटी है कि नहीं उसकी, गुण के बारे में बताएं, या इसी तरीके से नेचर के बारे में, अबाउट नेचर, नेचर के बारे में बता दें, कलर, यस सर, सैंक्टिटी, पर्सनैलिटी, हाँ ये भी हो सकता है, पवित्रता, पर्सनैलिटी, तो उसमें क्वालिटी आ गई, क्वालिटी और क्वांटिटी अलग है। अब अगला आ गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, 10 रुपी नोट, लेकिन क्वालिटी अलग चीज होती है और एक
क्वांटिटी तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है? तो हाँ वो भी क्वांटिटी में ही आएगा, लेकिन वो इनडेफिनिट में आएगा, जो गिन सकते हो वो क्वांटिटी में आएगा, क्वांटिटी भी दो भागों में डिवाइड होगी। तो यहाँ पर देखो द गंगा इज हॉली रिवर, तो प्रीतिका मुझे ये बता सकती हो कि इसमें एडजेक्टिव क्या है, गंगा है कि रिवर? बोलो, रुक जाओ कुमकुम, हाँ मानसी, वेरी गुड। तो हॉली क्योंकि रिवर को ये क्वालिफाई कर रहा है, सो गंगा इज हॉली रिवर। कोटा इज इंडस्ट्रियस सिटी, बहुत व्यस्त शहर, क्यों? क्योंकि वहां बहुत भीड़ भाड़ रहती है, बहुत बच्चे भी पढ़ने आते हैं, तो व्यस्त, बहुत व्यस्त शहर। इंडस्ट्री जैसे इंडस्ट्री, हाँ बोलो सर, इंडस्ट्रियस बिल्कुल सही आपने कहा, इट इज लाइक दिस। राधिका इज नॉटी स्टूडेंट, तो नॉटी स्टूडेंट है, वो ये देखती रहती है कि किसी का पेन लिया और खाली पेन से बदल दिया, चुपचाप बैठ गए, तो इसकी वो नॉटी स्टूडेंट हो गई। नाउ द स्काई इज ब्लू, अच्छा कहानी इज माय फास्ट फ्रेंड, बोलो फास्ट, फास्ट होता क्या है? फास्ट का मतलब है ये बहुत फास्ट कलर है, पक्का रंग, तो वो मेरी पक्की दोस्त है। ओके नाउ नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये क्वालिटी था, क्वालिटी का मतलब गुण होता है, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मात्रा। बिल्कुल सही, तो दोनों लिख देंगे। ही ड्रैंक सम मिल्क, इट डिमॉन्स्ट्रेट्स नंबर, ही ड्रैंक सम मिल्क, ही ड्रैंक वन ग्लास फुल मिल्क। तो इसमें ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, लेकिन ये एक इसमें इनडेफिनिट है और दूसरा कैसा है? डेफिनिट है। सो क्वांटिटी के बारे में बताएं, सो लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, यहाँ पर एक पहले क्वालिटी के बारे में बताएं और दूसरा क्वांटिटी के बारे में बताएं। तो यहाँ ये लिटिल क्या है, क्वांटिटी, इसका दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा ये मिल्क एक क्वांटिटी होती है, तो क्वांटिटी के बारे में जहाँ पर बताएगा, और क्वालिटी किसी का गुण होता है, किसी का कलर होता है, किसी की ब्रेविटी होती है, सेंटिटी होती है, और क्वांटिटी अलग चीज। ही हैज ईटन ऑल फूड, तो he has eaten all food, all food, तो यहां पर क्या हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। थर्ड इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, सर क्वांटिटी की स्पेलिंग गलत है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो उस चीज को
नंबर में बताया क्वांटिटी होती है 2 किलो गेहूं और नंबर होता है 4 दाने गेहूं, तो 4 ग्रेन्स ऑफ व्हीट। नंबर अलग चीज, क्वांटिटी क्या होती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो क्वांटिटी में ली जाती हैं और कुछ चीजें होती हैं नंबर में। जैसे क्या होता है, 4 पेन्स, जैसे 4 पेन ले लिया, 4 बनाना ले लिया और 1 केजी आलू, तो केजी क्वांटिटी हो गई। नंबर में ले रहे हो वो क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ ग्रेन्स, सही है कि नहीं। तो जो चीज नंबर में खरीदते हो दो वो चीज यहाँ आएगी, 4 बुक्स और 1 केजी पोटैटो, तो वो यहाँ आ जाएगी। और ग्रीन पोटैटो वो कहाँ आएगा, यहाँ जाएगा, और 1 केजी यहाँ आ जाएगा। और मान लो अगर आपने 4 पोटैटो ले लिए तो यहाँ आ जाएगा। जो तौल के ली जाए वो यहाँ, जो नंबर में ली जाए वो यहाँ, और कलर में ली जाए वो यहाँ, स्वीट पोटैटो। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, सो दे एक्सप्रेस नंबर्स ऑफ नाउन। ओके, लाइक जैसे इसमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या हो सकता है, एक कार्डिनल हो सकता है कार्डिनल। जैसे ये अगर मयंक बोले आई स्टूड फर्स्ट इन क्लास, या ऐसा बोले दिव्या की आई स्टूड थर्ड, सुहाना आई है तो सुहाना बोले कि आई स्टूड थर्ड इन क्लास। तो ये जो चीजें हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ऑर्डिनल नंबर है क्योंकि ये इनका ऑर्डर है, ये क्लास में इनका क्या है ऑर्डर। तो ये ये एक होता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और कार्डिनल में क्या आता है, 1 2 3, ये सब आता है। ओनली 5 of my friends were present in my party, birthday party. तो ये 5 friends थे, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर only 5 friends were present in my party. Suhana stood third इन क्लास। तो ये चीज क्या हो गई, ये ऑर्डर है ना, तो ऑर्डिनल हो गई, ऑर्डिनल हो गई, ठीक है। और तीसरी चीज, कई बार ऐसा भी होता है कि मल्टीप्लिकेटिव भी हो सकता है, और कई बार ऐसा होता है कि माई बनानाज आर डबल ऑफ योर्स बनाना, या योर बनाना, ऐसी कोई चीज डबल हो या ट्रिपल। माई एज इज ट्रिपल ऑफ सुहाना, मान लो 15 की होंगी या 14 की, तो मैं 50 साल, तो ट्रिपल, ऐसा मैं क्लेम कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेटिव है। और ये सुहाना कह सकती है माई एज इज 1/3 ऑफ सर्स एज, ये भी तो क्लेम कर सकती है नहीं कि मेरी 1/3 है। तो ये फ्रैक्शनल है, देखो ऑर्डिनल कार्डिनल मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लीकेशन ले लिया ना। और यह फ्रैक्शनल, आई हैव डबल मिल्क देन योर्स, मेरे पास 2 बकेट दूध है, तुम्हारे पास 1 बाल्टी दूध, तो डबल हुआ कि नहीं। तो ये चीज भी हो सकती है। सो अगर ऐसी भी चीज आएगी तो भी ऑर्डिनल कार्डिनल, और तीसरी चीज क्या है मल्टीप्लिकेटिव, और चौथी चीज क्या है बोलो फ्रैक्शनल, इसमें डबल आएगा ट्रिपल, ऐसी चीज आ जाएगी। और इसमें क्या आएगी, हाफ 1/3। तो जैसे ये कहा जाए कि देविकास एज इज 1/3 ऑफ हर फादर्स एज, देविका की उम्र कितनी है, 1/3 ऑफ हर फादर्स एज। या ऐसा भी कह सकते हैं कि श्रेयास मनी इज डबल ऑफ देविकास मनी, तो यहाँ डबल आ गया और यहाँ क्या आ गया, 1/3 आ गया। तो यहाँ मान लो श्रेया के पास 20 रुपए आ गए,
तो वो इठलाती फिरेगी, देख दे उसके पास तो 10 मिनट 20 लेके चल रही, वो बात ही नहीं करेगी उस दिन उससे, होता है कि नहीं ऐसा होता है, 20 वो भी सोचेगी 20, तो ऐसा हो सकता है ना। Write down 3 types of adjectives. तो क्वेश्चन पहला है define adjective. Define adjective. Write its 3 types. इसके 3 टाइप लिखो और साथ ही साथ इनके ऊपर 3 sentences for each लिखो. And 3 नहीं sentences. फॉर ईच, अब जरा देखो, राइट वन एग्जाम्पल फॉर ईच, आपको एक एग्जाम्पल सबके लिए लिखना है, कार्डिनल ऑर्डिनल मल्टीप्लिकेटिव और फ्रैक्शनल का, कार्डिनल का ऑर्डिनल मल्टीप्लीकेटिव और फ्रैक्शनल का एक एग्जांपल लिखना है। सर ही ड्रिंक सम मिल्क सर इनडेफिनेट है कि डेफिनेट है, सर इनडेफिनेट सर क्वांटिटी फिर डेफिनेट क्वांटिटी है, सम मिल्क का क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी अगर कुछ भी हो तो वो वहीं आ जाएगा, और नंबर हो तो वो यहाँ आएगा, क्वांटिटी में 1 किलो 2 किलो भी वहीं आएगा, और जो संख्या में होती है जिसे गिन सकते हो वो यहाँ आएगा, समझ में आएगा नहीं, जैसे 1 ग्लास है 1 kg भी यहीं आएगा क्योंकि वो अमाउंट है। तो अब यहाँ देखिए सर वो सेंटेंस में एक लेना सर कार्डिनल ऑर्डिनल सो नेम 6th to 9th टाइप ऑफ प्रोनाउन जो आगे आपके दिखाए गए हैं एंड राइट वन सेंटेंस फॉर ईच, एक ही सेंटेंस लिखना है, वन सेंटेंस फॉर ईच, इतना करो। बोलो देखो सिक्स कौन सा था, एक हमने लोगों ने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव था और एक था इंट्रोगेटिव था और एक यही तीन रेसिप्रोकल, तो हम लोगों ने 5 तक लिख लिए थे, 10 थे क्या, 7, 8, 9, 4 हो गए, और सबके एक एक सेंटेंस लिखो सर। बोलो सर वो सर एडजेक्टिव और नंबर में कार्डिनल ऑर्डिनल सब वो भी इनके सेंटेंस लिखने, कुछ नहीं लिखने हैं, 3 सेंटेंस लिख देना कोई भी नहीं, ये है ये 4 सेंटेंस है 3 लिख देना, और यहाँ पर जब कार्डिनल ऑर्डिनल है तो कार्डिनल में लिखना क्या लिखोगे, 1 2 1 2 फर्स्ट मल्टीप्लिकेटिव डबल 1/3 जैसे व्हाट माय हाउस इज बर्निंग तब तो व्हाट पे लगाना, जब व्हाट पे रुक जाओ तब फिर लास्ट में लगाओ लेकिन तब भी व्हाट ही रहेगा, तो वो बात है। चलो कार्डिनल ऑर्डिनल जब एग्जांपल फर्स्ट वन